अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका शमीम लंगड़ियाल चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जब आपके YouTube की पर डैशबोर्ड पर वीडियो नहीं आ रही होती, अपेयर नहीं हो रही होती, जहर नहीं हो रही होती, तो किस तरह आप उसको अपने डैशबोर्ड में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, तो मैं आपको अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को एक मरतबा दबा दीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए था, और बेल आइकन का नक्शा इस तरह चेंज हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का आसानी से मिल सकेगा। चैनल को ओपन कर लेना है जो आप चैनल यूट्यूब का बनाया हुआ है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डैशबोर्ड में चले जाना है, ठीक है। मसलन मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। आपने चैनल बना लेना है, चैनल बनाने के बाद आपने अपनी वीडियो डालनी होगी। वीडियो डालने के बाद आपने इधर ये बेल ये आइकॉन आ जाएगा, जैसे साइन इन करेंगे अपने चैनल पर। साइन इन करने के बाद क्रिएट स्टूडियो पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट स्टूडियो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड वगैरह आपके सामने आ जाएगा। तो आपने करना क्या है फ्रेंड, इधर ये सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रोल नीचे करें, ये देखें, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने होने चाहिए, फलां फलां, ये आप बाकी सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, वीडियो फिल्टर ऑल या कस्टम या पब्लिक या अनलिस्ट, यानी आपने वीडियो वो कस्टम्स की हुई हैं और ये ऑप्शन ये कुदरतन आपकी गलती यानी किसी वजह से आपका ये सेव ये ऑप्शन हो गया है, यानी और जिसकी वजह से ये आपने यानी अनलिस्ट आपने अनलिस्ट की है और सेव कर दिया है। जैसे ये वीडियो सेव हो जाए तो इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपके सामने मैंने किया है ये इस तरह की, कोई वीडियो जहर नहीं हो रही होंगी। ये देखें फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अब जहर नहीं हो रही। आपने इस सेटिंग पर क्लिक करना होगा, इधर ही आकर ऊपर वाली सेटिंग पर नहीं, इधर सेटिंग पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। इधर ये वीडियो फिल्टर्स पर आपने क्लिक करना है, अनलिस्ट और आर पर आपने क्लिक करना, जैसे आर पर क्लिक करेंगे और सेव चेंजेस आपने कर देना। ये देखें फ्रेंड, आपके सामने मेरी वीडियो आ गई हैं, ऑलरेडी पहले भी थी, अब गैप कर दी, और इस तरह तीन चार किस्म के आप वीडियो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही कि मेरी कौन सी वीडियो प्राइवेट है, कौन सी वीडियो मेरी पब्लिक है, कौन सी वीडियो मेरी कस्टमाइज है, कौन सी वीडियो मेरी अनलिस्टेड है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्राइवेट करता हूँ और सेव पर क्लिक करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मेरी कोई प्राइवेट वीडियो नहीं है, तो देखें आपके सामने। और अगर इधर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जो आपने कस्टमाइज़ किए हैं, अनलिस्टेड किए हैं वीडियो या पब्लिक किए हैं, तो मैं तो पब्लिक पर करता हूं और सेव कर देता हूं ताकि हमारी हर वीडियो पब्लिक हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह आप आसानी से अपनी वीडियो को जहर अपने चैनल पर कर सकते हैं। खुदा ना खासा अगर सेटिंग आप के चैनल की ख़राब हो गई है या किसी वजह से कुछ हो गया है, अपेयर नहीं हो रही, तो फ्रेंड्स आपने ये वीडियो पूरी वॉच कर लेनी होगी। और आपने फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा दिल भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ। ताकि अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो मैं ऐसी नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। और इसके अलावा आप हमारे हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी बता सकते हैं कि वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।